वाराणसी दुई दिन भ्रमण पर फाइनाली आम आज पहुँच जाइए आल्लाहाबाद रे प्रयागराज। वर्तमान मु रेलवे स्टेशन बाहर अच्छे आप देखिपे यू आम जीवु भारत सेवाश्रम तो चलत आम वर्तमान टैक्सी कि अटो नहीं आम भारत सेवाश्रम को चलू। अस्थि विसर्जन करने आम प्रयागराज रेलवे स्टेशन रु बाहरी पड़ू भारत सेवाश्रम संघ अभिमुखे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ठारु भारत सेवाश्रम संघर दूरता होची मात्र 5-6 किलोमीटर। आपण जदि ऑटो भड़ा करी जानती तले आपण को पर हेड 20 टंका ऑटोवाला नेबो। आपण माने पछर देखछंती जेसी भारत सेवा सदन आश्रम रे पहुंची रात्रि जापन कला परे ता पर दिन सकाळु आरंभ होइतला आमर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम। आश्रम द्वारा करा जाइथिबा गाड़ी रे बसी आम त्रिवेणी संगम को जाइथिलु एवं सेठी आरंभ होइतला आमर जावतीय अस्थि विसर्जन कार्यक्रम। तबे आसंतु देखिबा कौन सब से कार्यक्रम रहिछ। फाइनाली मु आसी आल्लाहाबाद त्रिवेणी संगम निकट में पहुँची सारी। देखो यार चारिपट दृश्य बर्तमान ये पहुँचला आपण मैंने अस्थि विसर्जन पर कौन सब करेंगे मुझे डिटेल्स आपण को देखेदेवी आडियो टी आरंभ शेष जाए देखूँ जहाँफल आपण मानक अस्थि विसर्जन करार श्राद्ध करमी कौन असुविधा हम ना। आदि भिडियो भल लगे निश्चित भाव आपण मैंने सेयार करूँ कमेंट करूँ आदि सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँफल मुझको आग को जहाँ जहाँ भिड पठेबी आपण मैंने अति सहजे शीघ्र देखिपर आसतु ये कौन सब रही कौन सब करवाक पड़ो से सब गोटी गोटी कर आम देखने देखो ये रही भारत सेवा सम संघ प्रयाग तीर्थ पुरोहित पंडित लालजी कला साधारण ओडिया लोक मैंने जगह को आसती चलत देखिए आगे कौन सब कर ये स्वाई बाबू विश्वा बाबू अमला भाई मैं बस देखते श्राद्ध कार्य अस्थि विसर्जन करने पूर्व प्रथम ये मुंडन होगा पड़ी था जितेन्द्र सर ये अच्छा मुंडन कार्य पर मुंडन हो सारे आपण मैंने निजक टे सफा सुतरा करदे देखो ये आपण मुंडन पर धुआ धुई हेपर निजर नुआ धोती गामुसा सफा धोती गामुसा पिंधे जो श्राद्ध करने प्रस्तुत होते बर्तमान जितेन्द्र सर ये देखो निजर धोती गामुसा पिंधुंट तापर आसतु जीवा श्राद्ध करने नना जी कि श्राद्ध कार्य समापन करेंगे देखो
ଏଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। सुना पश्यन्ति सूर्यः दिविभः चक्षु प्रागतम्। सभी लोग ग्लास से पांच मिनट पूजे ले जल करना। अच्छा पांच मिनट के पानी दो। राइट हैंड की रिंग फिंगर और नाम का उंगली से जल से स्पर्श करिए। राइट को पांच मिनट पानी शांति प्रियक्ष में अस्ति प्रक्षेपणम पूजनम समर्पयामि हस्तभ्यो देवाय लोकोय प्रतिक्रयतम अस्ति प्रक्षेपणम पूजनम समर्पयामि हस्तभ्यो ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ବିଧି କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠି ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ଥି ଧରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଗମକୁ, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ उनका मन में नाम लेंगे, उनका गोद लेंगे, उनके स्वरूप को छवि को ब्रह्म रखिएगा और 11 बार मन में राम 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 बोलिए। उसके बाद लाल कपड़ा मिट्टी कलश डिब्बा सीसी जो भी है आपके पास सब विसर्जन कर दीजिएगा। उसके बाद मैं नावाला आपको प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, यहाँ पे आपको उतर करके स्नान करना है। स्नान करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे पोटोंडी दलाल शीतल लोग रहता है। स्नान करते समय आपके हाथ में कोई दूध देता है, कोई फूल देता है, कोई नारकुल देता है, कोई सोना रूपा देता है, कोई कुछ भी सामान देता है। किसी का कोई सामान हाथ में टच करके गंगा जी में नहीं विसर्जन करना है, ना किसी की कोई बात वहाँ आपको सुनना है। सिर्फ नौका वाले से मतलब रखिएगा, जहाँ नौका वाला बोलेगा अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए वहाँ अस्थियाँ विसर्जन करिएगा, जहाँ नौका वाला बोलेगा स्नान करने के लिए वहाँ स्नान करिएगा, ठीक है। स्नान करने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे अपने कपड़े जगह चेंज कर लीजिएगा, अपने जो नया दूसरा कपड़ा लाए होंगे उसको चेंज कर लीजिएगा, ये पुराना वाला कपड़ा गीला करके अपने लगेज में डाल लीजिएगा, ठीक है। अल्पो जल लेके अपने लगेज कपड़े पे छिड़ दीजिएगा, शुद्ध हो जाएगा। जो स्वामी जी ने नीचे लिखा है पीएल चार्ज प्लेटफॉर्म चार्ज 10% पर हेड, वहाँ पे सभी को प्लेटफॉर्म चार्ज देना है। जिसके ग्रुप में जितने मेंबर हैं सभी को 10-10% वहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज देना है। नौका टंका जमा कर दिया है, नौका वाला लेके जाएगा, लेके आएगा, ठीक है। वो जहाँ पे आप स्नान करेंगे नौका वाले से बोल दीजिए, आप लोग एक नाव में 12 लोग जाएंगे, एक नाव में 12 लोग जाएंगे, ठीक है। आपका खुशी प्रेम होगा तो आने के बाद उतरने के बाद उसको इनाम बख्श दीजिएगा, नहीं खुशी प्रेम होगा मत दीजिएगा। नाव वाले के साथ जाइएगा, नाव वाले के साथ आइए, ठीक है। वर्तमान अस्थि विसर्जन करने हमको
आलाहाबाद्र त्रिवेणी संगम को जवाब पड़ो जो मैंने अस्थि विसर्जन करेंगे देखत से मैंने चलीगले चलतु आम से पचर भेजा पूजा सरवापर अस्थि विसर्जन समस्त विधि को बुझी सारी आम चलीगलु त्रिवेणी संगम अभिमुखे जावा पूर्व इंसारे ही डापाई प्रत्येक व्यक्ति निम्ते 40 टका लेखाए डिपोजिट करूँ जहाँकि डंगा आम को त्रिवेणी संगम को नेब एवं से कूल छाड़ किसी गोटे प्रोग्राम बोध होता पैंडल पड़े नहीं कि चलतु आमको से आग को जीवा पड़ो देखिए कौन से चलिए ये हूँ जमुना नदी देखु बर्तमान आम डे बसबू जमुना नदी एपट रही देखते मुझे देखे दूसरी आपन को एपट रही गंगा नदी जमुना नदी आ गंगा नदी मिलन स्थल हूँ से जगह बर्तमान आम से जगह जीवु आ गोटे डंगे मैक्सीम से 12 जन को नि देखा चलते प्रथम आम बस डे बर्तमान आम डे बस सारी ये हूँ जमुना नदी एठ आम जब त्रिवेणी संगम को डंगा बर्तमान छाड़ी चलो आपने जिते बड़े त्रिवेणी संगम को जाठी बहुत सिस्टर अच्छा जो मैंने आपन को हाथ में दूध देवे फूल देवे नारियल देवे आपन को किसी पैसा से डिमांड करेंगे तेनाली प्रथम सतर्क रहेंगे आपन को जी जहाँ देने भी किसी नेबार ना जस्ट गुड़ पकड़े और जो मंडप रही आपर कपड़ा चेंज करेंगे से आपको मात्र 10 टका ही देवा पड़े आई चिटर मानु आप सब दूरे रहा चेस्ट करेंगे देखो बर्तमान जमुना गोड़ छाड़ी आम आगे जाऊँ संगम स्थल को
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ ହାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସିଏ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଉ ଆମେ ଯେପଟେ ଯାଉଛୁ ଯମୁନା ନଦୀ ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗମ ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଆହ୍ଲାବାଦର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରଖର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିଛି ଓକେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀର ମିଶ୍ରଣ ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ସଫା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି କେତେ ଗୋଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀର ଠିକ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ରହିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ପତା ରଖି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଖାଲ ଏଠି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ବୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଗଭୀର ସାହେବ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ହଁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଦାଦା ଇଏ ଦେଖ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଏଠି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଆଗକୁ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 14 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଯାଏ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ କୂଳ ଏଠି ମାନେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ମକର ମେଳା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିସର୍ଜନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ, ସେପଟେ ଗଙ୍ଗା, ଏପଟେ ଯମୁନା। ଠିକ୍ ମଝି ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପାରିବେ। ଏଠି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଭିତରକୁ ନଯାଇ ଏ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଆଉଳିଆ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଭିତରେ ସୁଅ କାଟୁଥିଲେ କ'ଣ ନାଇଁ ଏତେ ଏମିତି କାଟୁନଥିବୁ।